नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। मध्य प्रदेश में जल्द ही चुनाव आने वाला है। कांग्रेस तो कुछ हद तक यहां सुलझी हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं जो है उनके नेताओं पर परस्पर बातचीत हो गई है और नेताओं के बीच कुछ भड़काव या अलगाव आपस में देखा नहीं जा रहा। लेकिन यहाँ पे बीजेपी पूरी तरीके से हिली हुई है, क्योंकि सबसे पहले प्रियंका गांधी आई, उन्होंने लगातार निशाना साधा, शिवराज सिंह की पोल खोली और जनता का समर्थन बटोरा। एक तो ये बड़ी टेंशन और उसके बाद अब कन्हैया कुमार भी जल्दी जो है मध्य प्रदेश आ सकते हैं और चुनावी अलगाव कर सकते हैं, और दूसरी बड़ी टेंशन। लेकिन तीसरी जो सबसे बड़ी टेंशन है जो लगातार बीजेपी को अंदर से खाई जा रही है, सिंधिया और शिवराज का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो सिंधिया यहां पर चुप है और बीजेपी की तरफदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। जब भी जो है बयान उनके देखे गए तो बीजेपी को बचाते नजर आते हैं, चाहे पहलवानों का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, तो सिंधिया ने बीजेपी की साइड ली है। लेकिन उनकी दिली चाह है, वो तमन्ना है कि वो सीएम बने, और कई बार ऐसा संकेत वो दे चुके हैं। और यही दिल में तमन्ना लेकर और कांग्रेस से धोखा खाकर वो बीजेपी में आए थे कांग्रेस को छोड़कर, लेकिन अब फिर उन्हें कांग्रेस की याद सता रही है क्योंकि बीजेपी ने उनका वादा तोड़ दिया है। सीएम बनाने का वादा किया था लेकिन उनको केंद्र की जिम्मेदारी सौंप कर कुछ दिनों के लिए चुप बैठा दिया, कुछ सालों के लिए चुप बैठा दिया। लेकिन अब जब दोबारा चुनाव आए हैं तो फिर दोबारा सिंधिया जो है सीएम उम्मीदवार बनना चाहते हैं। यहाँ कांग्रेस लगातार प्लान कर रही है, उनके नेता प्लान कर रहे हैं कि सिंधिया को कैसे भी भावुक करके यहाँ पे लाया जाए, और बार बार कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ये बयानबाजी हो रही है कि सिंधिया आप तब तक ही महाराज थे जब तक आप कांग्रेस में थे, आपकी बीजेपी में वैल्यू नहीं हो रही है। कई बड़े नेताओं ने जो MP के कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उन्होंने जो है इसके ऊपर अपने बयान दिए। कमलनाथ भी जो है कई बार बयान कर चुके हैं सिंधिया को लेकर, उनको घेर चुके हैं, और अब कहीं ना कहीं सिंधिया प्लान बना रहे हैं। प्लान वो ये नहीं बना रहे कि कांग्रेस में जाएंगे, लेकिन ये भी साफ नहीं हुआ है क्योंकि सिंधिया का मन है कि कांग्रेस में जाएं। उनके पुराने दोस्त राहुल गांधी उनको बुला रहे हैं, लेकिन उनके पास प्लान क्या रहता है? उनके पास प्लान ये रहता है कि वो बीजेपी को सीधे सीधे जो है आंख दिखा सकते हैं और कह सकते हैं कि 2018 में जो आपकी हालत हुई थी वो जग जाहिर है कि किस तरीके से शिवराज बुरी तरीके से चुनाव हारे थे। लेकिन यहाँ पे सिंधिया की बदौलत जब सिंधिया ने उनको अपना हाथ थमाया तो शिवराज खड़े हुए और सीएम की कुर्सी पर बैठे, और आज उन्हीं सिंधिया के साथ जो है ऐसा व्यवहार करा जा रहा है। चुनावी जो पत्र देखे जा रहे हैं, जो पोस्टर देखे जा रहे हैं, उसमें सिंधिया का नाम तक नहीं। अरे भैया, इतना बड़ा चेहरा सिंधिया है, आपको उन्होंने 2018 में सत्ता आपके हाथ में ला के दी जब आप बिखर गए थे और अपनी पार्टी को बचा के नहीं ला पाए थे, तो सिंधिया ने आपका हाथ थामा और आपको जो है सीएम की कुर्सी पर बैठाया, और आज उनका ही नाम नहीं लिया जा रहा है। तो सिंधिया के पास सबसे बड़ा प्लान है कि वो अपनी ताकत जो है दिखा सकते हैं, अपने विधायकों की ताकत और अपना जो उनका नेतृत्व करते हैं, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में उनकी छवि है, उनका पारिवारिक राजनीतिक जो जुड़ाव रहा है, उसको दिखाकर कहीं ना कहीं बीजेपी दब सकती है। और बीजेपी हमेशा वोट बैंक के आगे दबती है, और देखा गया है कि जब भी चुनाव आए हैं तो बीजेपी ने अपना वोट बैंक उभारने की कोशिश की और हिंदुत्व वोट बैंक के ऊपर चली है। और देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भी सूबे के मुख्यमंत्री यही करते हैं और उनके बयानों से साफ झलकता है कि इस बार भी हिंदू वोट बैंक को जो है टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सिंधिया ऐसे नेता है जो सभी वोट बैंक उनके पास है, मुस्लिम वोट बैंक हो चाहे हिंदू वोट बैंक हो, सारे वोट बैंक उनके आगे है, तो वो बिल्कुल वोट बैंक दिखाकर जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर शिवराज और बीजेपी का सिर झुका सकते हैं और अपने आप को आगे रख सकते हैं। और जिस वोट बैंक के आगे बीजेपी हार मानेगी और सिंधिया को अपना सीएम उम्मीदवार चुनेगी, और इसी की लड़ाई लगातार जो है मध्य प्रदेश में चल रही है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।